हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना चल रहा है और हमारे नबी को ना जौ बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो आज मैंने नियाज में बनाई है जौ की रोटी से ही मलीदा, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और इस नियाज को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको भी बेहद पसंद आएगा। इसे बनाना आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने ले लिया है जौ का आटा। ये जो जौ का आटा है मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा और आप इसे ले सकते हैं। तो इसे हम सबसे पहले छानेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप से एक कप जौ का आटा ले लिया है और साथ में थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल किया है। तो ये मैंने ले लिया है 1/4 कप गेहूँ। अब दोनों ही चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से छान लेना है ताकि जो भी कचरा वगैरह हो या फिर जौ में जो रेसे हो वो इस तरह से निकल जाए। देखिए इस तरह से जो है ना रेसे होते हैं, तो हमने निकाल देना है। अब हम इसके अंदर थोड़ा ऐसी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। वैसे ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर दें। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। अब हम इसे मौन देंगे। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है 2 बड़े चम्मच। वैसे आप घी चाहे तो मेल्ट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बस इसका हमें मौन दे देना है। घी के बजाय आप ऑयल का भी मौन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप घी इसमें ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इस तरह से मल मल कर हमने मौन को तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से हाथों से मुट्ठी में सिमट आए और जब हम तोड़े ना तो इस तरह से टूट जाए, बस उतना ही हमें मौन देना है। अब हम क्या करना है कि एक पैन में हमने यहाँ पे मैंने जो पानी लिया है ना वो 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमने पानी ले लेना है। और 1 कप हमने जौ का आटा लिया था, तो 1/2 कप यहाँ पे मैंने देसी गुड़ लिया है। इसे मैंने बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है ताकि वो फटाफट से मेल्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी नरम वाली रोटी का मलीदा बना रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहते हैं ना तो आप 1/2 कप का इस्तेमाल करें पानी का। वैसे आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 1/2 कप पानी का ही इस्तेमाल करें। अगर आप बार बार इसे बनाएंगे ना तब आपको मेजरिंग पता चल जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही पानी गर्म होता है, गुड़ मेल्ट होता है, गैस को हमने बंद कर लेना है और बंद करके फटाफट से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं सॉफ्ट वाला तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया था। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड चाहिए ना या फिर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप 1/2 कप पानी का ही इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा पानी आप इसमें ना लें क्योंकि जो जौ है ना बहुत ही कम पानी को खींचता है। तो देखिए इसे थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढककर छोड़ दिया था। अब हम इसे निकाल लेंगे एक अलग से बाउल में। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हम इसे अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। तो बस इस तरह से हम थोड़ा सा इसे मल लेंगे। अब ये जो बैटर है ना इसके हम 3 हिस्से कर लेंगे, यानी कि हमने 3 रोटी को तैयार करना है। तो इस तरह से हमने डो बना लेना है और पेढ़े को तैयार कर लेना है। जब हम गर्म पानी में इसे बनाते हैं ना तो उससे क्या होता है कि जौ जो है ना उसमें फटता नहीं, यानी कि क्रैक नहीं आते। अगर हम इस तरह से डायरेक्ट इसे बनाएंगे ना तो रोटी को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे। तो सूखा आटा लगा ले या फिर सूखे इसमें जौ इसमें छिड़क ले, जौ का आटा छिड़क ले और इस तरह से हम रोटी को तैयार कर लेंगे। ये देखिए एक भी क्रैक आपको नहीं दिखाई देंगे, स्मूथली आप इसे हैंडल कर पाएंगे। तो इस तरह से रोटी हमने तैयार कर लेनी है और नॉनस्टिक की पैन लेंगे और इसमें हमने इसे सेक लेना है। अब सेकने के लिए यहाँ पे मैंने घी या बटर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि प्लेन मैंने इस तरह से सेक लिया है। गैस की फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है और इसका दोनों साइड से अच्छा कलर आ जाने तक हमने इसे कुक करना है ताकि जो रोटी है ना वो अंदर तक भी बहुत अच्छे से सिक जाए। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, इसे सेकने में हमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। तो देखिए जब रोटी सिक जाए और ठंडी हो जाए ना तो इस तरह से हमने तोड़ लेना है। तो पहले क्या होता था कि रोटियों को तोड़कर जैसे जैसे रोटियां बनती जाती थी ना तो इस तरह से गरम गरम तोड़ के ही हाथों से ही इसे मैश कर लेते थे और इसका मलीदा बनाकर तैयार कर लेते थे। लेकिन अभी हमारे पास मिक्सी जार है तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने बड़े रोटी के टुकड़े को तोड़ लिया है और मिक्सी जार में हम डाल के इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पीसने पर ना ये बारीक हमारा जो मलीदा है वो बनकर तैयार हो जाता है। या फिर आपको बारीक वाला पसंद नहीं तो आप हाथों से ही जैसे पहले बनाया जाता था आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में ही सारे टुकड़े को मैंने डालकर और इस तरह से पीस लिया है।
बर्तन यहाँ पे मेरा छोटा पड़ गया है, तो मैं इसे बड़े से बर्तन में ले लूँगी, क्योंकि अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें ऐड करेंगे। तो बड़े बर्तन में मैंने इसे डाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम और किशमिश 2 बड़ी चम्मच घी में मैंने गरम करके और अच्छे से इसे फ्राई करके इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो इसके अंदर नारियल का बुरादा और थोड़े से आप वाइट तल और खसखस, जो भी आपको मनपसंद ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हैं, मखाने डाल सकते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा घी भी इसमें गरम करके ऐड करना चाहें ना तो भी कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये मलिदा बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, बनकर रेडी है जौ की रोटी का बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी ये मलिदा। ड्राई फ्रूट की पसंद की आपके अपने ऊपर है, जो भी ड्राई फ्रूट से आप गार्निशिंग करना चाहें कर सकते हैं, और हाँ, आप ऐसे स्टोर भी करके रख सकते हैं, हफ्ते दिन ये ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो एक बार आप गेहूं के आटे को छोड़कर जौ की रोटी का मलिदा जरूर से ट्राई कीजिएगा, और इस महीने में आप इसे नियाज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी नबी पाक को बहुत ज़्यादा पसंद थी। रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मिलते हैं इसी तरह की लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ। वीडियो को अभी तक वॉच करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।